फ्रेंड्स, आप सभी का स्वागत है कि नहीं भी फ्रेंड्स। इस वीडियो के अंदर बात करने वाले जो मोबाइल का बैकअप कैसे लेते हैं, जैसे कि आपके पास कोई पुराना फ़ोन है और उसका बैकअप लेना चाहते हैं, जैसे कि वन प्लस का फ़ोन है, आप नए फ़ोन में शिफ्ट करना चाहते हैं तो उसको बैकअप लेना चाहते हैं जीमेल पे, ताकि इसमें का ऐप्स, फ़ोटो, वीडियो वगैरह सब कुछ उस ऐप फ़ोन में आ जाए। तो चलिए मैं आपको बताता हूँ बैकअप लेना कैसे लेते हैं बैकअप। और फ्रेंड्स, मेरे पास है वन प्लस का फ़ोन और वन प्लस के किसी भी डिवाइस में ऐसे ही बैकअप ले सकते हैं। सबसे पहले आपको सेटिंग में जाना होगा। सेटिंग में जाने के बाद थोड़ा सा ऊपर की तरफ स्क्रॉल करना होगा और यहाँ पे सिस्टम में जाएंगे तो सबसे नीचे जाने के बाद सिस्टम दिखेगा। सिस्टम में जाने के बाद बैकअप का ऑप्शंस दिखेगा, तो आपको इस पर क्लिक करना और सिंपली इसको यहाँ से ऑन कर देना है। और यहाँ से जीमेल आईडी सेलेक्ट करने का ऑप्शन आएगा, तो यहाँ से जीमेल आईडी सेलेक्ट कर सकते हैं। फिलहाल मेरा जीमेल आईडी नहीं है तो यहाँ पे दिखा रहा है। और यहाँ से जैसे इसको ऑन करेंगे तो ये बैकअप लेना शुरू हो जाएगा और सारा बैकअप ले लेगा, तो यहाँ पे आपको नोटिफिकेशंस मिल जाएगा कि आपका फ़ोन का बैकअप हो चुका है। तो आई होप कि आपको पता चल गया हो कि अपने मोबाइल का बैकअप कैसे ले सकते हैं। और फ्रेंड्स, यहाँ पे आपको रीसेट का ऑप्शंस दिखता है, तो यहाँ पे अगर आप चाहते हैं कि आपको रीसेट करना है अपने फ़ोन को, तो इरेज ऑल डेटा रीसेट पे क्लिक करके और यहाँ से इसको फ़ोन को रीसेट कर सकते हैं और आपका बिल्कुल नया जैसा फ़ोन हो जाएगा। तो इस प्रकार से इन फीचर्स का इस्तेमाल कर सकते हैं, ये भी आपको बोनस में बताया हूँ। और फ्रेंड्स, वाईफाई या फिर ब्लूटूथ से रिलेटेड प्रॉब्लम हो तो इस पर क्लिक करके इस पर और यहाँ से इसको रीसेट पे क्लिक करेंगे तो आपका हो जाएगा, लेकिन डेटा वगैरह बिल्कुल भी डिलीट नहीं होगा अगर वाईफाई से रिलेटेड अगर इसको रीसेट करते हैं तो नेटवर्क को, ठीक है। लेकिन अगर आप इसको रीसेट करते हैं फैक्ट्री रीसेट, तो आपका डेटा वगैरह डिलीट हो सकता है। ये ऊपर वाले से नहीं होगा, लेकिन ये नीचे वाले से ज़रूर हो जाएगा आपका डिलीट। तो चलिए मिलते हैं ऐसी इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ। आई होप कि आपको ये जानकारी अच्छा लगा तो लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और इसको ऑफ़ कर सकते हैं बैकअप को, तो यहाँ से ऑफ़ भी कर सकते हैं और ये बैकअप लेना ये ऑफ़ हो जाएगा। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।